हार्दिक अभिनंदन, आपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर पिछले वीडियोस में आपकी गौशाला देख ली। आपने ऑर्गेनिक खेती करते हो, उसके ऊपर आप क्या नया नवाचार किया है वो आपने जानकारी, संपूर्ण जानकारी ले ली। अब एक आखिर में आप इसकी जो फार्मिंग के अंदर आता है बाय प्रोसेस या बाय प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हो, जो आप खेत के अंदर उगाते हो, उसको कैसे कस्टमर के पास पहुंचाते हो, एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहते हो, कैसे ब्रांडिंग करते हो और कैसे मार्केटिंग करते हो, उसके ऊपर संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि क्या है कि जो सामने किसान भाई देख रहे हैं वो आपसे सीख सके, वो भी आपकी तरह बाय प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के ना बिचौलिया बीच में आए, एट द एंड ऑफ द डे वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट कर सके। तो सर सामने में ये आपका पूरा एकदम यहाँ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मेरे को अंदर भी दिख रहे हैं, बाहर भी दिख रहे हैं, तो ये क्या, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो, कैसा मैन्युफैक्चर करते हो, इसके बारे में थोड़ा सी स्टार्टिंग से जानकारी देने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारा गिर गोपी फार्म जमका में, जी सर, हम जो हमारे खेतों में जो जो चीज़ उगाते हैं, जी तो उन सभी चीज़ों का हम इसका प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, और जितने ऑयल सीड लगाते हैं, समझो कि ये ग्राउंड नट है, सीसम यानी कि तिल है, ब्लैक और सफ़ेद दोनों, तो यही छोटी सी मिल में जिसके अंदर ये सामने देख रहा हूँ यहाँ उसी। से, हाँ यहाँ से सीड डालते हैं और यहाँ से प्रोसेस यहाँ आता है, यहाँ से इसमें तेल निकलता है, यहाँ से पहले डंकी में यहाँ जाता है, यहाँ से फिल्टर में आता है, वहाँ से कॉटन के जो कपड़े लगे हुए हैं, हाँ वहाँ से दूसरा दूसरी बार जो कपड़े में जो छानने का काम है फिल्टर का, हाँ वो यहाँ होता है। ये अंदर मैं देख रहा हूँ, सामने चलिए। ये यहाँ दूसरी बार फिल्टर होता है, और ये पूरा यहाँ से हमारी जो ये 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर ऐसे गिर गोपी ब्रांड बन के यहाँ से मार्केट में सेल आउट होता है पूरे देश में और आउट ऑफ 11 कंट्री में। ये जो यहाँ से माल जा रहा है, लोगों को लोग आज पैसा खर्च रहे हैं, लेकिन नीतिमत्ता से प्योरिटी वाला सात्विक खुराक भी उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और देश के किसान भी अपनी प्रोडक्ट ऐसे ही सात्विक बनाकर लोगों को उसके घर तक पहुँचाए। तो यह आज हमारा जो अमेजोन है, वो दुनिया की सभी चीज़ हमारे घर पे पहुँचाते हैं, तो हमको कितना आनंद आता है। तो ये हमारी जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ें, तो हम देश के हर एक घर में, हर एक कोने में, जहाँ जिसको चाहिए, जी सर, तो वहाँ उसको पहुँचाएंगे तो अच्छा रहेगा, और लोग भी किसान के साथ जुड़ जाएंगे। यूजर और उत्पादक का जो समन्वय है, वो सही ढंग से होना चाहिए। या तो आपके नज़दीक में से जो कोई सामान खरीदते हैं, तो उस किसान के खेत में भी एक बार जाना चाहिए, तो कैसा वो कैसे करते हैं। ये बताइए थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइए सर। ये जो वहाँ से तेल आता है, ये जो कॉटन के कपड़े लगे हुए होते हैं, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें जो भी कचरा है तेल के साथ जो मूंगफली के छिलके सब जाते हैं, तो यहाँ से दो 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 कपड़ा लगाया है इसमें, और यहाँ से वो इधर आता है, और यहाँ से ये पूरा पैकिंग होता है। अच्छा, इससे ये नीचे निकल जाता है नल से ये। तो सर ये आपके पास किस किस चीज़ का ऑयल यहाँ मिल सकता है, मूंगफली का हो गया और, मूंगफली का, तिल का, हाँ सरसों का, जी सर, हाँ और क्या रेट रहता है, आधी किलो, 1 केजी, 1.5 केजी का इसका। ये 15 लीटर का रहता है, यहाँ से 3,300 से लेके 3,500 तक का, होम डिलीवरी कर सकते हो सर, हर पूरे देश में हम डिलीवरी होता है। मतलब पिन कोड नंबर बता देंगे आप यहाँ से पिन कोड डिलीवरी। नंबर, पूरा एड्रेस डाल देंगे फोन नंबर के साथ, तो घर पे डिलीवरी हो जाता है। इससे थोड़ा सा हटके अपन बात करते हैं, ऐसा सेटअप इंप्लीमेंट करने में कितना कॉस्ट आ जाता है, आप भी नया इन्वेस्ट कर रहे ये, हो। हाँ ये अभी ये जो यहाँ का बनाया हुआ है, तो इसमें कम से कम, जब ये 7 साल पहले लगाया था, जी सर, तो इसमें 7 साल पहले इसमें 6.5-7 लाख का खर्चा हुआ था सब मिला के। जी सर, तो अभी हमने कोरिया से एक बेहतरीन, बहुत बढ़िया हाइजेनिक मशीन मंगवाई है, कि उसमें ये सब कुछ नहीं आएगा, झंझटबाजी नहीं है पूरा जी। पूरा हाइजेनिक आएगा, पूरा ऑटोमेटिक आएगा। इसमें इसको चलाने के लिए 3 आदमी चाहिए, जी उसमें सिर्फ अकेला आदमी काम कर सकता है। अभी वो 15-20 दिन में वो ट्रांसपोर्ट में है, तो 15-20 दिन में आ जाएगा। 15-20 दिन के बाद मैं आपको एक और वीडियो बना के भेजूंगा कि ऐसी मशीनरी जो 307 304 में एसएस मटेरियल में
पूरा फिल्टर से लेके सब ऑटोमेटिक है। कितना कॉस्ट आपको पड़ वो जाएगा? पड़ेगा कम से कम 13-14 लाख रुपया। 13-14 लाख। हाँ, इससे इससे कैपेसिटी भी ज्यादा है हुँ. और पूरा तेल जो ऑयल का यील्ड है वो भी इससे 2% ज्यादा मिलता है। अब सर एक क्वेश्चन रहता है कि आप इतना खेत में, तो आपके इतना मूंगफली उपली होता नहीं होगा, तो आप आउटसोर्स करते हो कि इतना तेल कैसे मेरा मेरा खुद का जो 40 बीघा यानी के 20 एकड़ जब भूमि है, तो इससे आगे मैंने करीब 50 से 60 एकड़ हर साल में किराए पे रख के कृषि कर रहा हूँ। यानी कि हमारे यहाँ का 16 गुंटा का 250 बीघा के आसपास कृषि है हमारा। अच्छा, आपका खुद अगर का हाँ खुद का है, रे अगर सही ढंग से गाय रख के दूसरे किसान भी ऐसे कृषि करेंगे तो इसको भी दाम ज्यादा देके इसका मूंगफली हम खरीद के निकालते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो ही निकालते हैं, जी सर। लेकिन किसान अपनी मूंगफली लेके यहाँ आता है तो इसको हम तेल निकाल देते हैं और किसान अपना तेल बाजार में बेच सकता है। ठीक है सर, और क्या प्रोडक्ट आप बनाते हो? आगे चलिए सर। और तो वैसे जो हमारे हर सीजन में अलग अलग प्रोडक्ट रहती है। ये मशीनें देख रहा हूँ, मशीनों के बारे में बताइए हाँ, थोड़ा सा, यहाँ क्या दिख रहा है? भारी है। ये मशीन है जो दाल बनती है, तो दाल के अंदर जो हम दिवेल डालते हैं, जी सर। तो दिवेल डालते हैं तो यहाँ से दिवेल जाता है और दिवेल लगने के बाद यहाँ तक आता है। जी ये मशीन है, उसमें सब प्रकार की दाल है, हुँ। इसके छिलके निकालने की मशीन है। हुँ। ये जो ये आप देख रहे हैं वो पूरा वैक्यूम मशीन है। जी 1 किलो से लेके हुँ। 25 किलो तक का वैक्यूम पैक बनाकर तैयार कर देते हैं। इसका जो पैकिंग होने के बाद ऐसा पैक तैयार होता है। और ये अनाज है वो 3 साल तक बिगड़ता नहीं है, उसमें कुछ कीड़े वगैरह कुछ पड़ते नहीं है। इसके इसके बाद हम इसको गिर गोभी हमारा जो ब्रांड है वो ब्रांडिंग करके ऐसे पैक करके इसको सीधा मार्केट में सेल आउट यहाँ कर दो से सेल आउट करते हैं। सर। ये पूरा सब पैकिंग किया हुआ सामान वो है। कितने कॉस्ट की दो वैक्यूम रुपये मशीन? ये मशीन करीब आएगी 4 लाख के आसपास। ये सेल आउट के लिए है कि आपने खुद के नहीं यूज नहीं के सेल लिए? आउट के लिए नहीं, ये सब यूज कर रहे हैं। ये